नमस्ते, मैं सुविज्ञा पुरोहित इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर से। सब्जेक्ट रहेगा आज का EE307 पावर सिस्टम सेकंड यूनिट फर्स्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिलेक्शन ऑफ वोल्टेजेस। तो आइए हम देखते हैं कि आज के ये टॉपिक क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस द रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी डीसी ट्रांसमिशन। इट मीन्स कि हम एसी और डीसी ट्रांसमिशन को कंपेयर करेंगे और उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि किस कारण से हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को कम ज़्यादा ले सकते हैं या कैसे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं टू ट्रांसमिट द पावर। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी डीसी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है डीसी रिक्वेस्ट ओनली टू कंडक्टर्स फॉर ट्रांसमिशन। मतलब कहने का मतलब यह है कि डीसी के अंदर हमें ओनली दो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक तो फेस की तरह होता है और एक अर्थ वायर ले सकते हैं जिसे रिटर्न पाथ की तरह काम में ले सकते हैं और इजीली हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिससे जो कॉपर जो होता है वो सेव हो जाता है। इसमें अधिक मात्रा में कॉपर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है फिर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है देयर विल बी नो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस फेज डिस्प्लेसमेंट एंड सर्ज प्रॉब्लम इन डीसी ट्रांसमिशन। डीसी ट्रांसमिशन के अंदर किसी भी प्रकार का जो आर एल सी, मतलब आर तो प्रेजेंट होता है बट एल सी एंड फेस डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं रहती है और सर्ज प्रॉब्लम भी नहीं रहता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है बिकॉज ऑफ द स्किन इफेक्ट इन एसी सिस्टम करंट कंडक्टर ओनली थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डीसी सिस्टम विल नॉट हैव स्किन इफेक्ट। इस पॉइंट से हम ये समझते हैं कि एसी में स्किन इफेक्ट होने के कारण करंट कंडक्टर ओनली थ्रू सरफेस के द्वारा ही होता है। मतलब कंडक्शन जो होता है वो करंट कंडक्शन जो होता है वो ओनली सरफेस के द्वारा ही होता है। और बट जो डीसी सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, वो पूरे कंडक्टर वायर को यूज़ करता है टू कंडक्ट द करंट। और सेम करंट कैपेसिटी में भी एसी और डीसी में ये डिफरेंस रहता है, जिससे कंडक्टर की साइज़ जो है रिड्यूस हो जाती है। किस केस में? डीसी में, डीसी में जो है कंडक्टर की साइज़ कम लेनी पड़ेगी सेम करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए। तो ये इसका क्या बेनिफिट हो गया है। फिर बात करते हैं कि डीसी लाइन हैज़ लो कोरोना लॉस कंपेयर टू एसी सिस्टम। जो एसी सिस्टम होता है उसमें कोरोना लॉस होता है बट डीसी के अंदर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिस कारण जो कम्युनिकेशन लाइन्स होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो सब कम्युनिकेशन होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमने टॉपिक लिया है अदर एडवांटेजेस ऑफ एसी सिस्टम इज़ दैट इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेजेस। ठीक है, तो जो एसी के अंदर जो ये एडवांटेज रहता है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट होती है वो हाई वोल्टेज में आसानी से जनरेट हो जाती है, तथा मेंटेनेंस जो होता है, मेंटेनेंस ऑफ एसी सब स्टेशन जो है वो सस्ता और आसान रहता है। किस केस में? एसी सिस्टम में। ठीक है, सिंस द कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर इज एब्सेंट इन डीसी सिस्टम। अब डीसी सिस्टम के अंदर पावर फैक्टर का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, इस वजह से इसमें किसी भी प्रकार के पावर फैक्टर करेक्शन के इक्विपमेंट या सर्किट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। ठीक है, फिर लास्ट हम ये बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीसी सिस्टम इज़ अनडाउटली सुपीरियर टू दैट ऑफ डीसी सिस्टम। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एसी से सुपीरियर है, बट द डीसी सिस्टम में जो है ट्रांसमिशन बेटर रहता है। ठीक है, और डीसी सिस्टम एज इन द एसी सिस्टम वोल्टेज कंट्रोल इज इजी बाय द मीन ऑफ ट्रांसफॉर्म। जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो एसी में ही प्रयोग अच्छे से होता है, और इस वजह से एसी के अंदर एसी के द्वारा हम डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर सकते हैं, बट डीसी के द्वारा ट्रांसमिशन सुपीरियर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है टॉपिक। फिर हम बात करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज।
ठीक है। अब ट्रांसमिशन वोल्टेज को किस प्रकार से सेलेक्ट करें, उसके लिए सेवरल मेथड हो सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, पावर फैक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वी डिस्कस द रिड्यूस वैल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, जिसके लिए हमने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझाया, प्रूव किया है कि कैसे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पावर इन थ्री फेज सर्किट जो होती है हमें पता है, वी नो दैट पावर इक्वल्स टू रूट थ्री वी आई कॉस फाई, और जो है ना, तो थ्री फेज में पावर क्या होती है, रूट थ्री वी क्या है, वोल्टेज आई, यहाँ पे करंट है, और वोल्टेज और करंट का बीच का एंगल क्या हो जाए, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस फाई, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसी फॉर्मूले से अगर हम आई इक्वल्स टू निकाले, इसी फॉर्मूले से अगर आई का मान निकाले तो आई इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई रूट थ्री बी कॉस फाई हो जाएगा। कैसे हुआ, ये सारी टर्म आई को छोड़ के जितने भी टर्म हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए हैं, पी के डिवाइडेशन में आ गया है। फिर जैसा कि हम जानते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है, एल यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो पावर लॉस इन थ्री फेज सर्किट इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू थ्री आई स्क्वायर आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ करंट आई और आर इन टू इक्वेशन नंबर थ्री फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आई और आर का मान जो है एक समीकरण एक और दो से लिख के तीन में रख रहे हैं। तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इक्वेशन क्या है अपनी थर्ड, थ्री आई स्क्वायर आर, थ्री एज इट इज़ आ गया, आई स्क्वायर का मान ये पूरी टर्म है इसका होल स्क्वायर कर दिया, पी डिवाइडेड बाई रूट थ्री वी कॉस फाई होल स्क्वायर इन टू आर, आर का मान क्या है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू पुट कर दी। अब आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया है, कुछ नहीं कि ये जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू रो एल अपॉन ए। अब क्या करेंगे हम कि जो पावर लॉस है उसको डब्ल्यू से डिनोट किया है, तो पी रो पी स्क्वायर ये अब जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो जो सारे टर्म्स है वो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर रो एल, और सारे डिवाइडेशन में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, या फिर हम इसी समीकरण को अगर इसी समीकरण से ए का मान ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, ये सारी टर्म एक साइड में रह जाएगी, ये सारी टर्म जो है राइट हैंड साइड में चली जाएगी। तो ए इक्वल्स टू पी स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, पावर लॉस, ठीक है। इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल दी। तो अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इन थ्री फेज सिस्टम क्या हो जाएगा, वी ओ एल मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को हमने वी ओ एल लिखा है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थ्री फेज सिस्टम है इसलिए थ्री ए इंटू एल, ए यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ, सबको बताया वॉल्यूम किसी चीज़ का होता है एरिया इंटू लेंथ, और थ्री यहाँ पे क्यों लिया है, थ्री फेज सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब ए का मान जो है यहाँ पे जो निकाला है समीकरण चार में हमने पुट कर दिया है, है किस में, ये पाँचवें में, थ्री इंटू ए इंटू एल में। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू थ्री, ए का मान क्या है, पी स्क्वायर रो एल पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड इंटू लेंथ, लेंथ क्या है एल, तो इसको हमने सिंप्लीफाइड करके ये लिख दिया। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर, है ना, वो क्या है, इसके डिवाइडेशन में है, बॉटम में है वी स्क्वायर, इसलिए क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वी ओ एल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी स्क्वायर, वी स्क्वायर ये है ट्रांसमिशन वोल्टेज जिसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इससे ये प्रूव होता है कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज का मान बढ़ेगा, स्क्वायर ऑफ वोल्टेज बढ़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल घटेगा। तो इस तरीके से हम ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।